सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी की घटिया विधानसभा में जनसभा हुई संपन्न। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी की सभा घटिया विधानसभा में हुई संपन्न। दिग्विजय सिंह जी ने अपने भाषणों में कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय को भारी मतों से विजय बनाए। आगे उन्होंने अपने भाषणों में घटिया विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय के समर्थन में 17 नवंबर 2023 को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय को भारी मतों से विजय बनाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करें। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनती है तो हर गरीब को रहने के लिए पट्टा दिया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी, वहीं 200 यूनिट बिजली माफ की जाएगी, 2600 रुपये गेहूँ खरीदी की जाएगी, गांव में भी शहर के बराबर प्रधानमंत्री आवास की राशि दी जाएगी। आम सभा में उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमल पटेल, पूर्व मंत्री बाबूलाल मालवीय तराना, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अशोक खेची पिपलिया मंडी, समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गण, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, पार्षद एवं अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सभा में उपस्थित रहे। मंचो टाइम्स के लिए राहुल मेहर के साथ। कार्यकर्ता या नेता कह दे उसके साथ हमने कोई झूठा केस बनवाया हो या उसके साथ अत्याचार किया हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये पाप का घड़ा भर गया है और जनता इस बारे में उन्होंने ये तय कर लिया है कि भाजपा को हराना है। और विशेषकर मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले एक साल से हर विधानसभा तक घूमा हूँ, आप लोगों से मिला हूँ, लोग बाग इंतजार कर रहे थे कि आचार संहिता आ जाए, हम खुलकर सामने आ जाएंगे। यही हुआ है, एक बाढ़ सरीखी आई है पूरे प्रदेश में, एक बाढ़ सरीखी आई है, कांग्रेस की आई है और जनता वोट देना चाह रही है। जनता चाहती है कांग्रेस सरकार बने, जनता ने हमारा वचन पत्र देखा है और ये वचन पत्र आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है मैं पूछना चाहता हूं। पहुंचा है और नहीं पहुंचा हो तो पहुंचाओ, मंडल सेक्टर बूथ एजेंट हमारे बन चुके हैं, आपको दुनिया भर में प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जैसे पंच का चुनाव लड़ते हो, सरपंच का लड़ते हो, पार्षद का लड़ते हो, वैसा चुनाव लड़ो। 4 दिन का चुनाव है, इन 4 दिन में आप लोग यदि आपने अपना बूथ संभाल लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में 150 से सीटें ज्यादा आएंगी। अब इनके पास और कुछ चारा नहीं बचा, 18 साल की काली कमाई का पैसा इनके पास है, पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे। लेकिन ये आपका वोट खरीदने का जो प्रयास करेंगे ये अधर्म है, ये पाप है। पैसा लेकर ये पवित्र वोट अगर आप बेचेंगे तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है और आपके हितों के खिलाफ है। क्यों आपका काम करेंगे ये लोग? 5 साल बाद चुनाव आएगा, 5 साल पैसा कमाएंगे और कमा के वोटिंग के 2-3 दिन पहले उनके जेब में पैसा डालेंगे, दारू पिला देंगे तो चुनाव हो जाएगा। लाडली बहना इनको याद नहीं आई, 4 महीने पहले याद आई और प्रचार लाडली बहना कहीं पैर धो रहे हैं, कहीं उनके पांव पड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं ये सब नाटक नौटंकी। शिवराज बंद करो, मैं कहना चाहता हूं ये मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं,
सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। मेरे कार्यकाल में जब मैं मुख्यमंत्री मैंने पद छोड़ा, प्रदेश में केवल 23,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4,00,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। ये पैसा कहां जा रहा है? केंद्र का पैसा ज्यादा आ रहा है, लेकिन पूरे तरीके से भ्रष्टाचार चला हुआ है। बिना कमीशन दिए ठेका नहीं मिलता, बिना कमीशन दिए बिल का पेमेंट नहीं होता, और तो और लोगों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं। केंद्र सरकार काम करती है, कांग्रेस पार्टी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था कि नहीं किया था? यहां आपके यहां उद्योग की जमीन या उद्योग की योजना लाए विक्रम उद्योग परिसर, 27,00,000 लोगों के किसानों के कर्जे माफ हुए, लेकिन शिवराज सिंह कहते हैं किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। अरे उनके खुद के गांव के जैत के उनके रिश्ते कर्जा माफ नहीं हुआ, और उन्हीं का मंत्री विधानसभा में जवाब देता है कि 27,00,000 लोगों के कर्जे माफ हुए। इतने बड़ा झूठ बोलने वाले और आपको कहां से मिलेंगे? इसलिए साथियों, आज समय बदलाव का आ चुका है, और ये बदलाव आप लोग लाएंगे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, बदलाव। और यदि आप लोगों ने फिर से कहीं धर्म की भावनाओं में आकर आपने वोट डाल दिया, या इनकी बातों में आ गए, इनके पैसों की लालच में आ गए, या शराब की लालच में आ गए, तो आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, मैं बता देता हूं आपको। संविधान ने सब व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है, चाहे सनातन धर्म हो, हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, ये हमारा अधिकार है। जिसमें हमारी आस्था है वो हम धर्म का पालन करेंगे, लेकिन ये अंग्रेजों की नीति पे चलकर फूट डालते हैं समाज में, और फूट डाल के राज करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सनातन धर्म की ये बात करते हैं, सनातन धर्म का नारे बताइए क्या है? धर्म की, अधर्म का प्राणियों में और पूरे विश्व का, ये सनातन धर्म है। ये थोड़ी है कि हमारा ही कल्याण हो और बाकी का नाश हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का धर्म का उनकी परिभाषा है। शांति पूरे देश में हो, हम हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ करवाते हैं, और बिना शांति के तरक्की